अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू कमराट वैली। इस वक्त हम पंजगोरा रिवर के बिल्कुल साथ हैं और ये देखिए सितंबर का महीना है तो पानी का बहाव जो है वो अभी भी तेज़ है, लेकिन यहाँ पे जो पंजगोरा रिवर की विर्थ है बहुत कम है। तो दोस्तों आज का व्लॉग बड़ा ही शानदार होने वाला है। ये एक दरख्त का तना है, देवदर दरख्त का, जो गिरा था उसके ऊपर यहाँ मकामी लोगों ने ब्रिज बना लिया था और मैं इस वक्त दूसरी साइड पे आ गया हूँ। वो सामने हमारे कैंप लगे हुए हैं और ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच हमने अपने कैंप लगाए थे और उसके साथ ही ये पंजगोरा रिवर है। दोस्तों रात बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और हमने बॉनफायर की। तो ये देखें सुबह का मंज़र, ये कमराट फॉरेस्ट है जी। ये पंजगोरा रिवर के साथ साथ काफ़ी रकबे पर फैला हुआ है। वादिया कुमराट के जंगलात में ज़्यादातर देवदार के दरख्त पाए जाते हैं। ये चेक करें। जिस देखी तेजी के साथ दरख्तों को काटा जा रहा है, ये कुछ ही सालों में ये बिल्कुल जंगल जो है, ये फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। और ये देखें इनकी हाइट चेक करें आप, ये देखें। और ये देखें जी बड़ी स्पीड के साथ, तेजी के साथ यहाँ दरख्तों की कटाई जा रही है और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि ये जंगल बचेंगे यहाँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है जी कुमराट वैली में। और ये देखें वादिये कुमराट एक खूबसूरत वादी है जो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जिला दीर बाला में वाक़ है। ये अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती के लिए जानी जाती है। बशमूल सरसब्जो शादाब जंगलात, बर्फ पोश पहाड़, चमकते दरिया और शानदार आबशार, ये वादी सयाहों के लिए जन्नत के टुकड़े से कम नहीं, खास तौर पर वो लोग जो ट्रैकिंग, कैंपिंग और हाइकिंग के ख्वाह हैं। आवारा गर्दी का नाम तो आपने सुना होगा, नज़ारा गर्दी आवारा गर्दी से ऊपर का लेवल है। ये लेवल इंसान पर तब पहुंचता है जब वो इंसान के बनाए हुए रास्तों, इमारतों और शहरों से निकलकर दूर दराज के इलाकों, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए पहाड़ों, वादियों, दरियाओं और झीलों के इन कच्चे रास्तों पर आवारा गर्दी करता है। यह पानी का कलर चेक करें और वो सामने जो हट्स बने हुए हैं उनकी लोकेशन चेक करें, बहुत खूबसूरत है। और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम आए हैं और इस रास्ते पे हम जाएंगे आगे आबशार पे। ये आप देखिए वो हमारे बाइक खड़ी है। सलाम अलैकुम भाई, क्या हाल है, कहाँ से आए हैं आप? मैं पाता से। कैसा महसूस कर रहे हैं इस इलाके में? और आने वाले टूरिस्ट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आने वाले टूरिस्ट के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, रोड खराब है, रोड की वजह से ज्यादा मायूस होता है। जी जी जी, सिर्फ रोड खराब भी है और इधर बैंक का सिस्टम भी और अस्पताल भी इधर चाह गया। अच्छा, ये गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है और यहाँ की इंतजामिया, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि हमारे टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए और तमाम सहूलियात उनको यहाँ मुयसर हों?
सर हम ये चाहिए अपना एमएनए एनपी और सर कमिश्नर सबको हम ये बोलते हैं, लेकिन ये रोड बराबर करो, हम लोगों के लिए टूरिस्ट ज़्यादा आता है, इधर तकलीफ ज़्यादा पहुँचता है टूरिस्ट के लिए, रोड बनाना पड़ेगा और अस्पताल और एटीएम और बैंक, ये चीज़ इसके लिए सहूलत चाहिए सर। सही, इधर के जो लोग इधर आता है फिर मायूस जाता है, क्यों ये रास्ता भी ख़राब है, बहुत पसंद है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सर? मेरा नाम लतीफुल्ला। लतीफुल्ला भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात की, आपने अपने मसाइल बताए। जी जी, आपसे आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया सर, सही बात है। और दूसरा बात ये सर, इधर आदमी बीमार हो जाएगा ना, फिर इतना दूर दराज जाता है, पाथरा का नाम है, उधर जाता है श्रृंगल जाता है, गिर जाता है, उधर जाता है वो, इधर उधर तक पहुँचता है आदमी अक्सर फौत हो जाए, ये रास्ता भी खराब है, रास्ते की वजह से 5-6 घंटे लगता है इधर से, लेकिन इस वजह से आदमी खराब हो जाता है। हमारे के लिए ये रोड बहुत खूबसूरत जगह है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोड बनाना पड़ेगा और अस्पताल और सहूलत भी इधर देना पड़ेगा। जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनको किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए उनको यहाँ के, आप ये भी बता दें। सर इधर सफाई का तेल ख्याल रखना पड़ेगा, कोई चीज़ का है फिर उसे पानी में नहीं डालना, इधर आपने कूड़ादान लगा दिया कूड़ादान में डालना पड़ेगा, और सफाई का भी आप ख्याल रखना पड़ेगा, ये हमारा सफाई सफाई हमारा इससे बीमारी है, और दूसरा बात ये इससे बीमारी भी फैलता है ना, वो सफाई का ख्याल हम लोग रखता है। अच्छा एक और चीज़ है, मैं देख रहा था जैसे हम इंटर हुए हैं यहाँ पे, दरख्तों की कटाई बड़ी तेजी से जा रही है, ये क्या चीज़ है? ये हमें मुझे खुद बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये अगर ऐसे ही कटाई होती रही तो एक दिन ये सारा इलाका दरख्तों से खाली हो जाएगा। सर बात ये है, ये लोगों ये जलाता है, सही है, अभी सर्दी शुरू हो जाएगा, शुरू है सर्दी शुरू है, फर्क पड़ता है ज्यादा, ठीक है, किसके लिए हमारा गैस चाहिए, इधर गैस तक आपका गैस पाइप चाहिए, इधर गैस नहीं, गैस की वजह से ये लोग ये दरख्त कटता है और जलाता है, नहीं करता है फिर वो फौत हो जाता है इंसान, वो कमजोर होता है, इसके लिए गैस चाहिए, गैस आ गया फिर ये कोई कटाई नहीं करेगा। क्या नाम है आपका, नाम क्या है? सनावला। आपका नाम क्या है? आपका सलाम अलैकुम। क्या है भाई, ठीक हो? क्या नाम है आपका? सतीउल्लाह। आपका कुमराट, गांव कौन सा है? गांव मलो। मलो, सही। यहाँ पे किस मौसम में बर्फबारी होती है? आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। नीचे चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। जी, बहुत ही प्यारा इलाका है। यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट पाए जाते हैं? यहाँ पे सेब होते हैं, अखरोट होता है। सही, इसके अलावा? अंगूर होता है। इस वक्त हम कुमराट वाटरफॉल के ट्रैक पर खड़े हैं और बारिश हो रही है हल्की हल्की, और जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपी हो गया है, बाइक सामने यहीं पार्क की है, ऊपर जा नहीं सकती थी, तो यहाँ से अब 15 से 20 मिनट की जो हाइकिंग है और वो जो सामने आपको नज़र आ रही है वो कुमराट वाटरफॉल, वहाँ तक आप हम हाइकिंग के ज़रिए जाएँगे, तो वहाँ जाके आपको वाटरफॉल के व्यूज़ चेक करवाते हैं।